Hey guys, today we are going to discuss our Gorbadak. Gorbadak is our first English tragedy and written by Thomas Sopwell and Thomas Norton. Okay, so now we are going to discuss it in detail. Okay, अब हम देखते हैं कि हमारी गोरबडक है वो क्या है. यहाँ मैं लिख देती हूँ फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजडी. ओके, रिटन बाय थॉमस शकविल एंड थॉमस नॉर्टन. ओके, जो हमारी गोरबडक है वो किस 5 एक्ट में है. जो हमारी गोरबडक जो ट्रेजडी लिखी गई है वो 5 एक्ट में लिखी गई है, ठीक है. और इनमें से हम देखते हैं 3 बाई जो फर्स्ट 3 हैं बाय थॉमस नॉर्टन, और लास्ट 2 बाय थॉमस सकविल. ओके गाइज, ये बात हमें याद रखनी है जो मैं ये आपको बता रही हूँ. एग्जाम पॉइंट से बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है और ये आपको लर्न करने पड़ेंगे कि हमें पता होना चाहिए कि हमारी गोरबडक है वो कैसे है और किस क्यों इतनी इम्पोर्टेंट बन जाती है हमारे लिए एग्जाम के वजह से. ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, ये क्या किस में लिखी गई है. ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, ब्लैंक वर्स. ओके, और क्या है ये, रिवेंज ट्रेजडी है. रिवेंज ट्रेजडी आप समझते ही होगे जिसमें किसी चीज़ का रिवेंज लिया गया हो, ठीक है, जिसमें किसी चीज़ का बदला लिया गया हो. मीन्स इसमें बदला है. और ये एक और बात बता दूँ कि रिवेंज ट्रेजडी जो टर्म है वो किसने दी हमें, क्वाइंड बाय शनेका. किसने क्वाइन की, शनेका ने. ओके, और वही फर्स्ट अप्लाई की गई थी हमारे गोरबडक के ऊपर जो रिवेंज ट्रेजडी है वो हमारी इंग्लिश लिटरेचर में. ओके, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है. अब हम देखते हैं कि हमारी गोरबडक है वो पब्लिश कब हुई थी, कब पब्लिश हुई थी. तो हमारी गोरबडक है वो पब्लिश हुई थी 1561 में, आफ्टर 11 ईयर्स ऑफ कॉमेडी, आवर फर्स्ट कॉमेडी, ठीक है. और ये 3 बार पब्लिश हुई थी नियर अबाउट, सेकेंड टाइम 1565 में और थर्ड टाइम 1590 में ये पब्लिश हुई थी. मीन्स थिएटर में प्रेजेंट की गई थी, परफॉर्म की गई थी. तो ये सब बातें तो हमें याद रखनी ही हैं कि हमारी जो गोरबडक है वो कैसी ट्रेजडी है या कैसा जो प्ले है वो है. और एक और बात है, इसका एक सब टाइटल था वो भी मैं यहाँ लिख देती हूँ, कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है. तो इसका जो सब टाइटल है वो है फ्रैक्स एंड पोरेक्स. ये इसका सब टाइटल है. कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि गोरबडक का सब टाइटल क्या है, तो सब टाइटल क्या है, फ्रैक्स एंड परेक्स इसका सब टाइटल है. ओके, तो ये सब बातें हमें लर्न रखनी है. कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले ये कहाँ परफॉर्म की गई थी. तो सबसे पहले जो ये परफॉर्म की गई थी वो मैं बता दूँ आपको, क्रिसमस सेलिब्रेशन एट क्रिसमस सेलिब्रेशन के दिन ये परफॉर्म की गई थी. कहाँ परफॉर्म की गई थी, द इनर थिएटर का नाम है, द इनर जगह का नाम है द इनर टेम्पल, वहाँ पे ये सबसे पहले परफॉर्म की गई थी लंदन में.
ओके, ये सब बातें हमें याद रखनी है हमारी गोबर्धक के बारे में, जो कि मस्ट इम्पोर्टेंट रहती है हमारे लिए और याद रखने की। यहाँ से ही एग्जामिनर है वो क्वेश्चन पुट कर देता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गई होंगी, इतनी डिटेल इसके बारे में लेनी ज़रूरी थी। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप। अब हम क्या करेंगे, इसके स्टोरी को डिस्कस करेंगे कि स्टोरी में क्या कुछ हुआ, क्योंकि ये जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इसकी जो फॉर्म है उससे ही पता चलता है कि ये रिवेंज ट्रेजडी है, इसमें किसी ने किसी बात का बदला लिया होगा। ओके, तो अब हम देखते हैं इसके करैक्टर्स, मेन करैक्टर्स देखते हैं। मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि आपको भी ध्यान रहे, मेजर करैक्टर्स लिख देती हूँ। मेजर करैक्टर्स, फर्स्ट इज गोबर्धक, गोबर्धक किंग ऑफ, गोबर्धक कौन है, किंग ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन के किंग हैं। सेकंड इज विडेना, विडेना कौन है, क्वीन ऑफ ब्रिटेन, जो हमारे गोबर्धक हैं इसकी वाइफ है। ओके, थर्ड इज फ्रेक्स, फ्रेक्स कौन है, फ्रेक्स हैं हमारे एल्डर सन ऑफ गोबर्धक, जो एल्डर सन ऑफ गोबर्धक। ठीक है, फोर्थ है हमारे पोरेक्स, पोरेक्स कौन है, यंगर सन ऑफ, यंगर सन ऑफ गोबर्धक, गोबर्धक कौन है हमारे किंग हैं। ठीक है, अब फिफ्थ मैं लिख देती हूँ इसमें, डोर्डन कौन है, काउंसलर है, कौन है, काउंसलर, काउंसलर ऑफ फ्रेक्स, जो फ्रेक्स हैं एल्डरसन हैं उसके क्या हैं, उसके ये काउंसलर हैं डोर्डन, सलाहकार। सिक्स्थ है हमारा फिलांडर, कौन है, फिलांडर, कौन है, काउंसलर ऑफ पोरेक्स, पोरेक्स हैं हमारे उनके काउंसलर हैं। अब मैं एक और लिख देती हूँ जो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं इस स्टोरी में, इस रिवेंज ट्रेजडी में, वे हैं हमारे रिबेलियन, रिबेलियंस। ठीक है, इनका बहुत बड़ा रोल रहता है। तो अब हम क्या करेंगे, स्टोरी को डिस्कस करेंगे, जो हमारी गोबर्धक है उसकी स्टोरी को। तो हम देखते हैं कि किंग कौन होते हैं हमारे गोबर्धक, गोबर्धक कौन है, किंग, कौन है, किंग। तो किंग क्या करता है, अपने किंगडम को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। फर्स्ट पार्ट किसको देता है, फ्रेक्स को देता है, फ्रेक्स को देता है फर्स्ट पार्ट, और सेकंड पार्ट किसको देता है, पोरेक्स को देता है, किसको देता है, पोरेक्स को देता है। अपने जो किंगडम है उसको आधा आधा बांट देता है दोनों अपने बच्चों में। तो जो फ्रेक्स है इसको, जो इसके काउंसलर हैं डोर्डन जो इसके काउंसलर हैं, वे भड़काते हैं कि तेरे पिता ने ये ठीक नहीं किया, तू बनना चाहिए था जो राजा है किंगडम का। ठीक है, किंग कौन बनना चाहिए था, फ्रेक्स बनना चाहिए था, बट तेरे फादर ने आधा साम्राज्य पोरेक्स को दे दिया, तो ये ठीक नहीं किया। तो ये इसके भड़काने पर अग्रेसिव होकर क्या कर देता है, इसको किल कर देता है, जो हमारे फ्रेक्स हैं वो पोरेक्स को मार देते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, फ्रेक्स होते हैं उनसे, उसकी मदर हैं विडेना, विडेना कौन थी, क्वीन थी, क्वीन थी, वो बहुत ज़्यादा प्यार करती है अपने छोटे बच्चे को, क्योंकि छोटा बच्चा वैसे भी अच्छा लगता है, बट बहुत ज़्यादा था कि इसका रिजल्ट क्या आता है, सी किल्ड फ्रेक्स,
वो क्या कर देती है, किल कर देती है। किसको किल कर देती है? फ्रेक्स को किल कर देती है। तो अब क्या होता है कि दोनों पुत्र थे, जो दोनों सन थे, वे मारे गए होते हैं। तो स्थिति क्या बचती है आगे, जो ब्रिटेन है उसमें गोरबटक बजता है, गोरबटक बजता है और क्वीन बजती है। तो ये दोनों बचते हैं, तो रीबिलियन होते हैं, वे क्या कर देते हैं, जब इतनी अशांति फैल जाती है कि राजघराने में इतना कुछ हो रहा है, तो रीबिलियन क्या करते हैं, इन दोनों को किल कर देते हैं, इन दोनों को मार देते हैं। ठीक है, इन दोनों को किल कर देते हैं। अब क्या सिचुएशन होती है कि पूरे किंगडम को संभालने वाला कोई नहीं, जो इस सिचुएशन है इसके जो पॉलिटिक्स में, वो क्या बन जाती है, सिविल वार की क्या कंडीशन बन जाती है, सिविल वॉर क्रिएट हो जाती है जो गोरबटक का किंगडम है। और उसी के साथ हमारी स्टोरी भी कंप्लीट हुई। आई थिंक आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी। जो गोरबटक है उसके दो पुत्र होते हैं, एक फ्रेक्स, दूसरा पोरेक्स। फ्रेक्स है वो पोरेक्स को मार देता है, मर्डर कर देता है, बट उसकी मदर क्या करती है, वो उसको मार देती है अपने बच्चे का बदला लेने के लिए, अपने छोटे पुत्र का बदला लेने के लिए। अब क्या था, जो रिबिलियन होते हैं वे दोनों किंग एंड क्वीन को मार देते हैं कि उन्होंने ये बहुत गलत किया। फिर मर्डर होते हैं ना, चार मर्डर हो चुके, दो तो ये और दो ये, चार मर्डर हो चुके। अब क्या था, स्थिति थी वो अशांति की थी, सिविल वॉर क्रिएट हो जाता है इन ब्रिटेन किंगडम। और इसी के साथ हमारी स्टोरी है वो कंप्लीट हुई। आई थिंक आपको समझ भी आ गई होगी। समझ आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना। हैव ए गुड डे। ओके।